अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार को आतंकियों ने एक गुरुद्वारे को निशाना बनाया। फियादीन हमला सुबह 7:30 बजे हुआ। तब यहां सिख समुदाय के सैकड़ों लोग प्रार्थना के लिए जुटे थे। धमाके में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने गुरुद्वारे की घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई की। 16 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस्लामिक स्टेट यानी IS ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बता दें कि अफगानिस्तान में करीब 300 सिख परिवार हैं। इनकी संख्या काबुल और जलालाबाद में अधिक है। इन्हीं दो शहरों में गुरुद्वारे भी हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य सचिव ने घटना के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो बचाने वास्ते काबुल के गुरुद्वारा गुरु हराय साहब के दर से सिख संगत जुड़ के अरदास बेनती कर रही थी, मूल मंत्र का पाठ कर रही थी। उस समय ही काबुल के किसी बददिमाग ने आत्मघाती हमला करके बहुत वड्डा नुकसान किया, जिदे नाल 4 काबली सिख जिहड़े आ उह शहीद होए ने, बहुत सारे जख्मी होए ने। साडी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब वालों भारत सरकार नूं बेनती आ कि वह कूटनीतिक संबंध वरत के काबल दे विच वस रहे बहुत ही घट गिनती सिखां दी जान माल की सुरक्षा करे। साडी गुरु चरणा च अरदास है गुरु रामदास पातशाह दे दर ते, अकाल पुरख दे दर ते, कि सच्चे पातशाह पीड़ितों नूं बल बख्शे, वह इस दुख की घड़ी दे विच्चों बाहर निकल सकन, नाल दी नाल इन्हां लोकां नूं आत्मघाती लोकां नूं समत बख्शन तां कि मनुखता का नुकसान ना कर सकन। कानून विद नरेंद्र सिंह खालसा ने बताया कि उनके पास गुरुद्वारे से फोन आया था। कॉल करने वाले ने कहा कि गुरुद्वारे में 150 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। वहीं आतंकी गुट तालिबान के प्रवक्ता जबीमुल्ला मुजाहिद ने ट्वीट कर बताया कि इस हमले से संगठन का कोई लेना देना नहीं है, हमने कोई हमला नहीं किया है। از مشکل خدا و جرفت کنه چیزی که الان اون دوسته کس تمام زمین درم سال گروگان است فیلن چون تمامشان صبح کی وقت با در عبادت آمده بودن و تمامشان در اینجا گروگان است صبح کی وقت بیور رپورت پربات وارتا